दोस्तों सैमसंग के एस फ्लैगशिप सीरीज के बाद में अब उनकी ऑसम ए सीरीज आ गई है, सैमसंग गैलेक्सी A54 5G। इंटरेस्टिंगली अगर बॉक्स के ऊपर देखोगे ना तो ऐसे लगता है कि ये एस सीरीज का ही फोन है, बॉक्स भी वैसे ही कुछ है, बट दिस इज देयर ए सीरीज, दिस इज बेसिकली मिड रेंज, प्रीमियम मिड रेंज इस प्राइस सेगमेंट में। आज इसकी अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले हैं, सब कुछ बताने वाले हैं इस फोन के बारे में। लेट अस ओपन द बॉक्स। वैसे दोस्तों हमारी अनबॉक्सिंग अच्छी लगती है लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राइट अप फ्रंट फोन, ओके, लुक एट दैट कलर, ओके। और क्या है बॉक्स में? ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा बॉक्स है, बट लेट्स सी। सिम कार्ड टूल, देन यू हैव, लेट्स ओपन दिस। ओ, यूएसबी टाइप सी टू टाइप सी एंड देन डॉक्यूमेंटेशन। उप्स, जी हाँ, दैट्स अबाउट इट। केस वगैरह नहीं, कुछ तो है और क्या है भाई? कुछ नहीं है, चलिए रखते हैं बॉक्स को साइड में। लेट अस लुक एट दिस फोन। ऑलराइट, लेट्स ओपन। This is a glass back. Last time जो A53 था, that had plastic back. This one has glass back and I'll tell you what. Look at this phone. ये आपको ऐसे लगेगा कि S series का ही S23 है. Literally, क्योंकि जो आप इधर कैमरा के मॉड्यूल्स देख रहे हो, वैसे ही है. उसका जो अलाइनमेंट है, exactly same है. Yes, this is glass back. जो frame है, that is plastic. आगे भी obviously glass है. In hand feel जबरदस्त है. I mean flat sides नहीं है, slightly curved है, but जो grip है, perfect है. वैसे box के अंदर आपको case वगैरह नहीं आती है, but this looks a वेरी वेरी प्रीमियम फोन फॉर श्योर। दोस्तों पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो इंटरेस्टिंगली ऊपर की तरफ सिम कार्ड ट्रे है इसका। जनरली या तो लेफ्ट में होता है या नीचे की तरफ होता है, इसमें ऊपर की तरफ सिम कार्ड ट्रे है। नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है राइट हैंड साइड में, वॉल्यूम रॉकर है उसके नीचे, पावर बटन है, स्पीकर ग्रिल है, दो माइक्स है, यूएसबी टाइप सी है। आई डोंट सी अ 3.5mm जैक, नहीं है इसके अंदर। और ऊपर की तरफ जो सिम कार्ड ट्रे है, दैट इज ऑलराइट। लेट्स सी। ओह, फोन भी स्टार्ट हो गया। Okay, let it start. मुझे लगा था dual nano SIM card slot है, but this is a hybrid SIM card slot. या तो एक SIM and एक SD card, या फिर दो SIM आप इस्तेमाल कर पाओगे. So that is good. Generally, you know, इस price range में आपको you know dual nano SIM card ही देते हैं, but इसमें है SD card slot है. Alright, phone is started. Wow, bright display है यार। I mean, bezels के बारे में बात करूं दोस्तों, average size के bezels हैं, symmetrical दिखता है ये definitely, side के और ऊपर के bezels average, chin भी मैं कहूंगा average size की है, look at that। दोस्तों अगर display के बारे में बात करूं, ये 6.4 inch का full HD 120 hertz AMOLED display है। इसमें 120 hertz AMOLED है, so वो अच्छी बात है, HDR है, 1000 nits brightness भी है, so it is a very very bright display। बाहर भी आप जाओगे, you should not have any problems। Gorilla Glass का protection है, Gorilla Glass 5 front as well as back। और generally दोस्तों Samsung के displays अच्छे होते हैं, and this one is no different. Excellent display, colors वगैरह जो है बहुत अच्छे दिखते हैं, and it is bright. दोस्तों अगर specifications के बारे में बात करूं, and this is where it gets very very interesting. ये आता है 5nm based Exynos 1380 इस chipset के ऊपर, ये नया chipset है. Again A53 के साथ compare करूं दोस्तों, तो उसमें 1280 था, इसमें 1380 आया हुआ है, और थोड़ा performance bump मिला हुआ है. क्यों? क्योंकि उसमें दो performance cores थे and 6 efficiency cores थे. इसमें आपको 4 performance cores मिलते हैं and 4 efficiency cores. तो 2.4 पे क्लॉक्ड है, सो वो डिफरेंस है। एंड अगर वेरिएंट्स के बारे में बात करूं, इसमें दो वेरिएंट्स हैं, 8GB मिनिमम 6 वाला वेरिएंट नहीं है, 8/128 एंड 8/256. LPDDR4X रैम टाइप आती है, एंड जो स्टोरेज टाइप है दोस्तों, आई एम नॉट श्योर बट इट इज बिटवीन UFS 2.1 एंड 2.2, हमें कुछ 500 Mbps के स्पीड्स मिले, सो अगेन देयर इट इज अ लिटिल लोअर। बैटरी 5000 mAh की बैटरी है, 5nm प्रोसेसर विद 5000 mAh, डेफिनेटली आपको दिन भर जाएगी कुछ भी आप इसके ऊपर करो, सो बैटरी के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पेशली बिकॉज ऑफ दैट एफिशिएंट प्रोसेसर, 25 वॉट की चार्जिंग आती है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं दोस्तों, जैसे मैंने कहा अंतुदु स्कोर 5 लाख 5 लाख 20 हजार के करीब आता है, एंड गेमिंग अगर आप कर रहे हो COD मोबाइल वगैरह, एपिक्स लेजेंड वगैरह खेल रहे हो, मीडियम सेटिंग्स पे खेल पाओगे, हाईएस्ट पे नहीं। अगेन लेट मी वेरी क्लियर, ये परफॉर्मेंस वाला फोन नहीं है, जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन्स होते हैं वैसे नहीं है, इट इज बेसिकली ऑलराउंड फोन, और उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। ये वीडियो एंड तक देखिए, आपको पता चलेगा एंड में जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। OS ये डेफिनेटली हाईलाइटेड, डेफिनेटली मतलब OS जो है दोस्तों, आपको One UI 5.1 मिलता है, which is based on Android 13 out of the box, but the big thing is 4 साल के आपको major updates मिलने वाले हैं, Android 14, 15, 16 and 17, साथ में 5 साल के आपको security updates भी मिलने वाले हैं। और दोस्तों OS obviously One UI 5.1 है, it is one of the better UIs out there for sure, और One UI के बारे में बात करूं तो पिछले 1-2 साल में Samsung has done really well with updates, उनका बहुत fast rollout होता है, so updates आपको continuously मिलते रहेंगे, अगर कुछ नया फीचर वगैरह आ गया अपडेट्स के साथ मिल जाएगा। ऑलराइट, सेंसर्स के बारे में बात करूं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, सो दैट इज देयर, फेस अनलॉक है, बाकी सब सेंसर्स आते हैं, सो नो प्रॉब्लम्स देयर।
all of them work very well. Let's talk about connectivity. जी हाँ, 5G phone है obviously, and सभी bands जो इंडिया में सबको support करता है, no problems there. Dual 4G VoLTE Wi-Fi calling का support है. Wi-Fi 6 है, yes, Wi-Fi 6 is there, and Bluetooth 5.2 का support है. और हाँ, NFC भी है दोस्तों. So Samsung Pay वगैरह आप इस्तेमाल करते हो, इंडिया के बाहर जाओगे टच पेमेंट करने हो कर पाओ. लेट्स टॉक अबाउट अनदर हाईलाइट. इट इज अ गुड लुकिंग डिस्प्ले, तो वीडियो व्यूइंग जो है आपको मजा आएगा. दिस इज एब्सोल्युटली ग्रेट फॉर वीडियो वॉचिंग. और हाँ, स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं जो डॉल्बी एटमॉस ट्यून्ड है. सो मल्टीमीडिया के मामले में अगेन अ थम्स अप, अगेन आउटस्टैंडिंग. और दोस्तों, एक नया फीचर सैमसंग वन यू आई 5.1 में आया हुआ है जिसके बारे में मुझे बात करनी है, वॉइस फोकस. पिछले बार भी मैंने बताया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके बहुत सारे कॉल्स होते हैं और आप आउटडोर कंडीशन में जहां बहुत ज्यादा एम्बिएंट नॉइज होती है, या फिर क्राउड में, या फिर लोकल ट्रेन में आप बात कर रहे हो, सुनाई नहीं देता है. बट अब ये वॉइस फोकस फीचर क्या करता है, बेसिकली आपका जो वॉइस है उसके ऊपर फोकस करता है और बाकी का जो एम्बिएंट नॉइज है वो कम कर देता है, ताकि जो अगला वाला है जो सुन रहा है आपका कॉल वो आराम से सुन सके जो आप बता रहे हो, आपको जोर से चिल्ला के बात करने की जरूरत नहीं है. सो दैट वॉइस फोकस फीचर इज वेरी फंक्शनल एंड यूजफुल. ऑलराइट, बाकी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं. बड़ा फीचर है ये, IP67 सर्टिफिकेशन आता है. इसका मतलब 30 मिनट पानी के नीचे भी रह जाएगा, तो यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स. नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, FM रेडियो नहीं है, SAR वैल्यू विद इन लिमिट्स. यप, लेट्स टॉक अबाउट कैमरा. जी हाँ, इसमें OIS कैमरा आता है. 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, एंड 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर आता है. सेल्फी आपको 32 मेगापिक्सल का मिलता है. यू नो, दीज आर सैमसंग कैमरास, वेरी वेरी डिसेंट. आप जो भी ओरिजिनल क्वालिटी में हमने फोटोज निकाले हुए उसकी जी ड्राइव लिंक दे रहा हूँ, अगर आप खरीदने वाले तो डेफिनेटली जाके जरूर देखिएगा. वो सब फोटोज अलग अलग कंडीशन में हमने निकाले हुए, सो गो एंड चेक दैट आउट. बट माई फर्स्ट इंप्रेशन, नॉर्मल कंडीशन में बहुत अच्छे फोटोज आते हैं, एंड दैट इज वॉट यू कम टू एक्सपेक्ट ऑफ सैमसंग. वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं दोस्तों, देन 4K 30fps कैप्ड है पीछे. जी हाँ, आगे की तरफ भी आप सेल्फी 4K 30fps वीडियो शूट कर पाओगे. OIS वीडियो अगर आपको शूट करना है, दैट इज 1080. एक चीज मैंने नोटिस की दोस्तों, जब हम वीडियोस निकाल रहे थे, जनरली जब OIS होता है वो क्रॉप हो जाता है, जो फील्ड ऑफ व्यू है वो कम हो जाता है. बट इसमें उन्होंने ऐसे काम किया कि एंगल थोड़ा बढ़ा दिया है, तो थोड़े वाइड वीडियोस आप खींच पाओगे, सो दैट इज अ प्लस. लो लाइट के बारे में भी एक दो चीजें कहना चाहूंगा. एक तो 1 माइक्रोन पिक्सल साइज हो गया, तो लो लाइट में अच्छे फोटोज वगैरह आते हैं. और पहली बार दोस्तों नाइटोग्राफी आ गया है ए सीरीज में. एस सीरीज में था, बट अब ए सीरीज में भी नाइटोग्राफी आ गया है. फीचर्स के बारे में बात करूं तो सभी फीचर्स आते हैं. पोर्ट्रेट मोड है, प्रो मोड है, सिंगल टेक जो फीचर है वो आता है, एंड देन यू आल्सो हैव लॉट ऑफ फिल्टर्स. मतलब स्नैपचैट पे सीधा आपको अपलोड वगैरह करने हैं, तो अलग अलग फिल्टर्स आप इस्तेमाल करके फोटो निकाल सकते हो, डायरेक्टली स्नैपचैट पे अपलोड कर सकते हो. और फीचर्स के ये फीचर्स तो नहीं कहूंगा, उनकी जो गैलरी ऐप है उसमें दो अब फीचर्स ऐड हो गए. एक तो ऑब्जेक्ट इरेजर, आपको पता है पहले भी बात की है, बट इट इज मच इंप्रूव्ड. पहले क्या होता था, ऑब्जेक्ट इरेजर दो लोग थे, एक को निकाल दिया तो वो चला जाता था, लेकिन उसकी शैडो रह जाती थी. अब वो भी नहीं है, शैडो भी वो अब AI से या फिर इंटेलिजेंटली क्लीन कर देता है. सो ऑब्जेक्ट इरेजर इंप्रूव हो गया है. हाँ, आपके पास बहुत पुराने फोटोज है, ग्रेनी फोटोज वगैरह, उन्हें एनहांस करना है, तो अब AI इमेज एनहांसर नाम का फीचर आ गया है गैलरी ऐप में. सो दैट ऑल्सो वर्क्स वेरी वेल. सो फाइनली लेट्स गेट टू द इंटरेस्टिंग पार्ट. जी हाँ, फर्स्ट इंप्रेशंस क्या है. जैसे मैंने पहले बताया दोस्तों, दिस इज नॉट अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन. कुछ कुछ चीजें सही में स्टैंड आउट होती है. एक तो दोस्तों ड्यूरेबिलिटी, पीछे की तरफ ग्लास आ गई है, फंकी कलर्स आ गए हैं, अब अलग अलग, ये है उसके अंदर ब्लैक है, एंड देयर इज अ लाइम कलर एज वेल. सोशल मीडिया फॉलो कीजिए, उधर हम डालने वाले हैं. अभी आए नहीं, पहला ये आया था, आई लाइक दिस कलर एज वेल. डिस्प्ले इसका हाईलाइट है. UI रेगुलर और लॉन्ग टर्म अपडेट्स जो है, मेजर एंड सिक्योरिटी अपडेट्स, वो इसका हाईलाइट है. मल्टीमीडिया इसका हाईलाइट है. ओवरऑल अगर एक ऑलराउंड फोन आप देख रहे हो, और इसकी प्राइस जो है, अगेन ए सीरीज की प्राइस जनरली 35 इस प्राइस रेंज में होता है, अगर उस प्राइस रेंज में आ गया तो मैं कहूंगा कि A53 के कंपैरिजन में इट इज अ वर्दी सक्सेसर. ड्रॉप टेस्ट रह गई, गोरिल्ला ग्लास 5 है. ड्रॉप टेस्ट, लेट्स डू दिस. 1, 2, 3. देखते हैं, वन मोर, बैक साइड. वेरी नाइस, एब्सोल्युटली नथिंग. जो आवाज आ रहा है दोस्तों वो OIS का है. ओ वेट, ग्लास की वजह से थोड़ा बढ़ गया होगा, बट फिर भी इतना हेवी नहीं लग रहा है. इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 200 ग्राम्स, प्रॉबेबली 192-193 ग्राम्स. देखते हैं, 201.5 ग्राम्स. मुझे लगा था इतना हेवी नहीं लग रहा है वो. आई विल बी ऑनेस्ट, वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, डज नॉट फील दैट हेवी, बट यस इट इज नॉट लाइट. कैसे लगा दोस्तों ये वीडियो, अनबॉक्सिंग वीडियो? अच्छा लगा ना, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं वो भी कर दीजिएगा, बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं. तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.